गौरी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ गौरी, मेरा यकीन करो गौरी। आई लव यू गौरी, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा। आखिरी दिन है, कल अगर तुम लोग वो डिब्बा लेकर नहीं आए तो फिर से उसे लाने की जरूरत नहीं होगी। ये क्या विकट लक्ष्मी, इतने दिनों से तुम्हें देखकर डर के मारे हम लोगों का सर भारी हो जा रहा था, लेकिन अब हमारा दिल भारी हो रहा है। वेंकट लक्ष्मी, तुम्हें कभी ऐसे देखा नहीं, लेकिन तुम्हें ऐसे देखने के बाद अंदर से तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ करना है ऐसा लगता है। लेकिन क्या कर सकते हैं यार, सब तो ट्राई कर लिया हमने। ए चंटी, पांडू, 11 बजे तक वो वीरा रेड्डी 11 बजे तक डिब्बा लेकर लॉयर के पास जाने वाला है, ये एक ही खबर काफी है। भले ही कुछ हो जाए वो डिब्बा ला कर रहेंगे। हाँ, चल रहे चंटी। चोट लगी है उनको। अरे चंटी पांडू भाई है,
चंटी और पांडू को हमारे पास भेज दो। एक एक को काट कर रख देंगे हम। चंटी पांडू को हाथ भी लगाया तो हम लोग तुम्हें मार डालेंगे। तुम में से कोई नहीं बचेगा, सोच लेना। चलो रे, चलो। जा जा जो करना है कर लेना। क्या रे सत्या? दादी तुम सब यहाँ क्यों आई हो? दादी तुम्हारे लिए आए हैं। हमारे लिए? लेकिन क्यों? तुमने जो डिब्बा लाया ना उसके लिए। डिब्बे के लिए? वैसे भी वो डिब्बे के बारे में हमें और वेंकट लक्ष्मी को पता है, तुम्हें कैसे पता चल गया? वेंकट लक्ष्मी का नाम क्यों ले रहा है? सब हमें बेवकूफ समझेंगे। वो बात करेगी तो किसी को सुनाई भी नहीं देगा। तू तो जानता है, फिर भी नाम ले रहा है। तुम्हें नहीं, वो लड़की सबको दिखाई देती है। दिखाई देती है? अच्छा तो बताओ उसने कौन से कपड़े पहने? सिल्क की साड़ी। कॉटन की साड़ी। कॉटन की साड़ी हो या सिल्क की साड़ी हो, कौन से रंग की है बताओ? सफेद के ऊपर काली। अरे बेवकूफो, वेंकट लक्ष्मी भूत नहीं है, तो इंसान तो है। इंसान है? है? अरे हम सब ने ये नाटक खेला था। नाटक खेला था? क्यों शामिल था? अबे तू भी इसमें शामिल है? क्या किया? मर जाते तो गाँव से मुसीबत टल जाती। मेरे भैया का नाम रंगनाथ, वीरा रेड्डी के ऑडिटर थे। ये पालमपुर की जमीन जमींदार ने मेरे भैया के नाम पर की थी। उस जमींदार की लिखी हुई चिट्ठी को बदलकर इस जमीन को हड़पने के लिए वीरा रेड्डी ने एक प्लान बनाया था। वीरा रेड्डी ने हमारी हेल्प की है, इसलिए मैं उसके साथ काम कर रहा हूँ। वो जो भी करता था मैं चुपचाप देख रहा था, लेकिन उसकी वजह से अब एक गाँव बर्बाद होने जा रहा है। अब मुझसे नहीं होगा, मैं खामोश नहीं रह सकता। इस डब्बे के डॉक्यूमेंट्स को पालमपुर गांव लेकर जाएंगे तो उन्हें बचाया जा सकता है। अब ये सब की हमें क्या जरूरत है? अब तक मैं भी यही सोच रहा था, लेकिन अब मैं चुप नहीं रहूंगा। बहन कहाँ है? ऊपर है। दोनों जल्दी बाहर निकलो, चलो। उस वीरा रेड्डी के साथ दुश्मनी, वो लोग बहुत खतरनाक लोग हैं। हाँ भैया, पता नहीं क्यों पर मुझे बहुत डर लग रहा है। कोई बात नहीं, मैं हूं ना, तुम दोनों मत डरो। मैं तो बच गई, पर मेरे भैया और भाभी नहीं बच पाए। मेरे भैया और भाभी को इंसाफ मिले और वीरा रेड्डी से मैं बदला ले पाऊँ, उसके लिए इस गांव से बेहतर जगह कौन सी हो सकती थी? इस महीने की 28 तारीख को कोर्ट की सुनवाई है। वो लेटर किसी भी तरह कोर्ट पहुंचा नहीं होगा। वीरा रेड्डी के घर से वो डब्बा लाने का काम तुम्हारे सिवाय और कोई नहीं कर सकता, ये मुझे पता था। इसलिए हम सब ने मिलकर ये प्लान बनाया। तो ये सब प्लान था? धोखा दिया पूरे गांव ने मिलकर। असल में ये प्लान किया किसने? कौन है वो? बताओ। शेखर का प्लान। शेखर का प्लान? अरे छोड़ो उसे। तुम्हारे कारनामों की वजह से पूरा गांव मुसीबत में था, पर पहली बार तुम्हारी वजह से सबको अच्छा लग रहा है। हर इंसान में अच्छाई होती है, जरूरत इस बात की है कि उसे सबके सामने लाया जाए। सच्चा इंसान वो नहीं है जो सिर्फ अपने लिए जीता है, अगर दूसरे के लिए कुछ कर सको तो इस जीवन का अर्थ है। ए, कल तक गांव वाले तुम्हारे खिलाफ थे, लेकिन आज इन्हीं लोगों ने तुम्हें बचाने के लिए गुंडों तक का सामना किया है। अब तो समझ जाओ। जब तुम्हारे दादाजी तुम्हें यहाँ लाए थे तो तुम्हारी दादी ये सोचकर दुखी होती थी कि सब तुम्हें गाली देते हैं, और अब देखो राम लक्ष्मण की तरह तुमने इस गांव को बचा लिया। हमें समझ में आ गया, हम भी अच्छे बन जाएंगे। प्रेसिडेंट जी, क्या हुआ? क्या हुआ? वीरा रेड्डी है ना, वो आदमियों को लेकर आ रहा है। बुला ले, कितने भी आदमी होने को देखते हैं, गांव के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। जान भी बुला ले। लाठी तलवार चाकू जो मिले साथ लेकर चलो, बेल्लमपल्ली गांव में कोई भी जिंदा ना बचे। Oh!
इसमें हैरत वाली कौन सी बात है? इन सब की वजह मेरी बहन गौरी है। आगे से हट जाओ। गलती आपने की है और सजा उन्हें देने के लिए जा रहे हैं भैया। ये कैसी बातें कर रही हो? उन्होंने हमें धोखा दिया है। वीरा रेड्डी की ताकत, उसकी शक्ति, इज्जत, उसका गुरूर क्या है, उन्हें पता चलना ही चाहिए। आज मैं उन्हें दिखा के रहूंगा। इनकी वजह से आप खुद को बलवान समझते हो, पर वो लोग तो हमारे घर में आए और इनमें से किसी को पता नहीं चला। उन लोगों ने आप सबको उल्लू बनाया, लेकिन आपका बल तो कुछ कर ही नहीं पाया। आप अपने गुस्से की वजह से किसी की जान ले सकते हो भैया, पर जीवन नहीं दे सकते। उन्होंने आपको धोखा दिया, इसलिए आप सोच रहे हैं कि आपकी इज्जत कम हो गई। लेकिन ऐसी इज्जत का क्या फायदा? आप जिस चीज पे गर्व करते हो वो तो कुछ अब रहा ही नहीं। बस एक चीज अब तक बची है, वो है आपके अंदर का इंसान। अभी आप गांव के लोगों को मारने नहीं जा रहे हैं, बल्कि अपने अंदर के इंसान को। ये सब गलत है भैया। गौरी, आज तुम चाहे कुछ भी कहो, मैं उनका खून बहा के रहूंगा। आप खून देखना चाहते हैं ना? गौरी, ये क्या किया तूने? अरे तू पागल हो गई है क्या? देख लीजिए भैया, जिससे प्यार करते हैं उसका खून बहता है तो कितना दुख होता है। मैंने कभी आपको सिर्फ भैया नहीं समझा, अपना पिता भी माना है। गौरी, ये क्या है? आप एक अच्छे इंसान हो भैया, आप किसी से कितना प्यार कर सकते हैं ये मैं जानती हूँ। अपना ये प्यार सबको दिखाओ भैया, तब आपकी नजर में हर इंसान गौरी जैसा होगा। और मुझे विश्वास है कि आप ऐसा कर सकते हैं। कैसी बातें कर रही है तू? मैं जो कुछ भी करता हूँ तेरे लिए ही तो करता हूँ। तो फिर मेरा एक काम कीजिए भैया, उनकी जमीन उन्हें दे दीजिए। सर, हमारे हिसाब में गलती हो सकती है, लेकिन हमारी गौरी के मामले में गलती नहीं होनी चाहिए। हाँ भाई, आप हमें तनख्वाह देते हैं इसीलिए हम आपको भगवान समझते हैं, और अब जब आप इन्हें जिंदगी दे देंगे तो। हाँ भैया, गौरी हम सबके हाथों में पली बड़ी है, इसीलिए इंसान की अहमियत इसे पता है। पर हम सब वैसे नहीं पले बढ़े, इसीलिए अब हम सब गौरी के हाथों में ही पलेंगे भाई। अब तक मैंने बहुत सी गलती की है, पर गौरी की वजह से आज मेरी आंखें खुल गई। मेरी वजह से तुम लोगों पर आज तक बहुत सारे अन्याय हुए हैं, और अब मैं पुलिस के सामने सरेंडर करूंगा।